एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। आप सुन रहे हैं हमें शॉर्टवेव, सैटेलाइट प्रसारण और इंटरनेट के जरिए। हमारे कार्यक्रम रोजाना प्रसारित किए जाते हैं 5 बार। कार्यक्रम और प्रसारण समय के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi। सुनते रहिए एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। की इस सभा में देश विदेश के समाचार लेकर वरुण तोमर के साथ मैं हूं गुरजिंदर सग्गू। जापान की राजधानी टोक्यो और ओसाका प्रेफेक्चर में सोमवार सुबह से विशाल टीकाकरण केंद्रों की शुरुआत हुई। अधिकारियों का कहना है कि जुलाई के अंत तक इन केंद्रों में जापान के लगभग 3,60,00,000 वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 टीका लगाने का लक्ष्य है। आत्मरक्षा बल के कर्मी इन दोनों केंद्रों को संचालित कर रहे हैं। इन केंद्रों में हाल ही में स्वीकृत मॉडर्ना टीके लगाए जा रहे हैं। सोमवार के लिए टोक्यो केंद्र में 5,000 और ओसाका केंद्र में 2,500 लोगों ने टीका लगवाने हेतु आरक्षण करवा रखा है। सरकार ने आशा व्यक्त की है कि अगले सप्ताह तक दोनों केंद्रों की संयुक्त टीकाकरण क्षमता दोगुनी हो जाएगी। दोनों केंद्र सोमवार से ऑनलाइन आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, जिसमें समूचे टोक्यो और ओसाका प्रीफेक्चर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी निवासी आवेदन कर सकेंगे। टोक्यो के पड़ोसी प्रीफेक्चरों चिबा, साइतामा और कानागावा तथा ओसाका के पड़ोसी प्रीफेक्चरों क्योटो और हेगो के निवासी अगले सप्ताह से आरक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जापान में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ ही फरवरी से देश भर में टीकाकरण अभियान आरम्भ हुआ था। इसके बाद अप्रैल से वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण शुरू हुआ। जी